मुख्यमंत्री की सभा में जारी बस शिवना नदी बिल्लोद पुलिया से गिरी, 5 से 6 लोग हुए घायल, जिला अस्पताल पहुंचाया घायलों को। मंदसौर जिले के सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आगमन को लेकर जिले के अलग अलग क्षेत्रों से सचिवों को टारगेट किया गया था कि बड़ी संख्या में सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों से जनता को लेकर आए और बसों के माध्यम से सभा स्थल तक ले जाने की लोगों की व्यवस्था की गई थी, पर ड्राइवर की लापरवाही के कारण शिवना नदी बिल्लोद पुलिया से गिरी बस और यह हादसा हो गया, जिसमें 5 से 6 लोग घायल हुए हैं जिनको उपचार के लिए मंदसौर जिला अस्पताल लेकर आए हैं। और जहां पर कांग्रेस के नेता सहित बीजेपी के नेताओं ने घायलों के हालचाल पूछे हैं। कांग्रेस नेताओं ने मीडिया से चर्चा करते हुए आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सभा में संख्या दिखाने के लिए सभी सचिवों को टारगेट किए गए थे और इस तरह की लापरवाही पूर्वक उनको ले जाया जा रहा था, पर इस तरह सड़क हादसा हुआ। मीडिया से चर्चा करते हुए 1:45 पर गुरुवार को बताया। और मंदसौर जिले के भानपुरा में भी एक और हादसा हुआ है और वह भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सभा में जा रहे थे। देखिए, बहुत ही दुखद और गंभीर घटना है। अभी लगातार 2 दुर्घटनाएं आज हुई हैं। मुख्यमंत्री जी सीतामऊ में आ रहे हैं, लेकिन मलारगढ़, मंदसौर, गरोट, भानपुरा सब तरफ से भीड़ जुटाई जा रही है और इनकी बसों में कोई बैठने को तैयार नहीं है। जबरन भोले वाले ग्रामीणों को, किसानों को, महिलाओं को, बच्चों को बस में ठूंस ठूंस कर जबरदस्ती ले जाया जा रहा है। ये बहुत बड़ा हादसा टल गया। जो पुलिया से बस गिरी है, उस पुलिया को बनाने की मांग कई वर्षों से लोग कर रहे हैं, क्षेत्रीय नागरिक कर रहे हैं, लेकिन उसकी वित्त मंत्री के क्षेत्र में ये मामला हुआ है। उनको शर्म आनी चाहिए कि उनके क्षेत्र में इतना बड़ा हादसा हो गया है और वो अभी तक कोई जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ पर प्रशासन का पहुँचा नहीं है। और यहाँ पर जो गंभीर रूप से घायल हैं, जो ग्रामीण हैं, किसान हैं, वो गंभीर रूप से घायल हैं, तड़प रहे हैं, लेकिन इनको कोई देखने वाला नहीं है, इनकी सुध लेने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जबरदस्ती सत्ता का दुरुपयोग करके भीड़ इकट्ठी करती है और जब ऐसी दुर्घटनाएँ घटनाएँ होती है तो हाथ खड़े कर देते हैं और उनकी पूछ परख करने कोई नहीं पहुँचता है। हम कांग्रेस के लोग यहाँ सब आए हैं और उनके हालचाल पूछे हैं और उनको भरोसा दिलाया है कि उनको जहाँ भी जरूरत पड़ेगी हम सब उनके साथ हैं। और जिनको रेफर यहाँ से किया जा रहा है उनसे भी बराबर संपर्क रखेंगे, उनके परिवारजनों से बात की है और उनको जो सुविधा मुहैया करा पाएंगे वो कराने को हम तत्पर हैं। शिवराज सिंह जी की सभा में जा रहे थे। हाँ। तो ड्राइवर किसी से बात कर रहा था वो नीचे। हाँ। वो खड़ा हो गया, वो कह रहा कि वो जा रही गाड़ी, जा रही गाड़ी, जा रही। मैं पास में था वहाँ। हाँ। मेरे वो तो मोड़ के ना, वो माँ मेरे मेरे था। हम्म। वो आगे आगे पहला मेन सीट पे मुझ। हाँ। तो कितने लोग बैठे थे गाड़ी में? मैं 8-10 बैठा था ना, और 2-4-5 रेटा खड़ा था ना। वह गाड़ी बने आगे बढ़ा, सकर में आगे बड़े दिन सवारी थी, बाणा उभा था वर्मा के बारा। हाँ। जो बाणा उभा वाला मैं आता खरी एक गाड़ी ले तो बनती, पहला उन्हें गाड़ी आगे बढ़ी ली, जब गाड़ी डायरेक्ट मेरे से पड़ी, वहाँ से पड़ी, पलटी खा गई। हाँ, एक पलटी खा दी। हाँ। कितने लोग घायल हुए लगभग इसमें? कितने लोग? 5 जने की लगी। हाँ। तो कौन लेके जा रहा था आपको ये? वहाँ तो लीजिए रहा था, खून लीजिए रहा था, कई मारा। नेताजी थे क्या? कि सचिव महोदय थे? हाँ, सचिव महोदय थे हमारे साथ। कि कौन सचिव थे, क्या नाम था उनका? नाम तो मन ही नहीं आवे का। क्या बोला था उनने? वहाँ लीजिए रहे शिवराज सिंह जी की सभा में, नाम पता तो मैं जानू, अरे होते तो मैं तो उठी ना आयो। बगबीराम पाटीदार। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा सीतामऊ में था और मल्हारगढ़ विधानसभा के लोगों को जबरदस्ती बस में भर भर के, जैसा कि अभी घायल व्यक्ति ने बताया कि हमको बस में बिठा के, वहाँ के सचिव और पूरा प्रशासन लगा हुआ था, हमको बिठा के उस सभा में ले जा रहे थे। जिस सभा में ये लोग जा रहे थे, वहाँ रास्ते में एक शिवना नदी पड़ती है और शिवना नदी का जो पुलिया है वो कई वर्षों से वहाँ के ग्रामीण लगातार मांग कर रहे हैं कि ये ब्रिज बनना चाहिए, 2 विधानसभाओं को जोड़ता, एक तरफ माननीय वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी के विधानसभा लगती है और दूसरी तरफ नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह जी की विधानसभा लगती है, लेकिन दोनों मंत्री केवल भ्रष्टाचार में मद मस्त हैं, लेकिन विकास से उनको कोई लेना देना नहीं है। उस वो पुलिया का अगर निर्माण हो जाता तो आज ये दुर्घटना नहीं होती और जिस दुर्घटना के कारण जो 5-6 लोगों की जान जोखिम में आज पड़ी है वो तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की लापरवाही की वजह से। एक बस जो है किसी कारणवश थोड़ा सा पलटी खा गई थी, 2-4 लोग घायल हुए जिनका तुरंत यहाँ पर भी एम्बुलेंस की व्यवस्था करा दी गई है और यहाँ पे एक्सरे वैक्सरे हो गए हैं, एक को रेफर कर दिया है और तुरंत यहाँ पे डॉक्टर्स वगैरह सारे उपलब्ध है और गवर्नमेंट की एम्बुलेंस आ रही है जो अभी अतिशीघ्र 5 मिनट में MY के लिए उनको ले जा रहे हैं। 5 लोग घायल है, उसमें से 4 लोगों को मामूली हल्की सी चोट है, एक को थोड़ी सी फ्रैक्चर है जिनको बाहर रेफर किया गया है।